कि ये एक पावर सेविंग डिवाइस है जो कि आपके बिजली के बिल को 30% 40% कम कर देता है। तो इसको ख़रीदना वेस्ट है, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं इसको ख़रीद के अपने घर के अंदर या किसी भी छोटे उद्योग के अंदर लगाने। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये है एक पावर सेविंग डिवाइस, जैसे कि आप ऊपर देख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जैसे कि मैं कई फैक्ट्रियों में जाता हूँ कहीं पे, या मकान के अंदर जाता हूँ किसी के, जहाँ पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वहाँ पर मैं इस चीज़ को लगे हुए देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या जिसकी वजह से इसको घरों के अंदर कहीं छोटे लघु उद्योग होते हैं उसके अंदर लगा के रखते हैं। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये एक पावर सेवर है जो कि हमारी पावर को सेव करता है और हमारे बिजली के बिल को कम करता है। तो फ्रेंड्स, रियलिटी के अंदर ये चीज़ इस तरीके से काम करती है कि नहीं, आज हम वो देखेंगे। क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसी बहुत सी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इसको बहुत इसका बवाल बना रखा है ऐसा कि ये एक पावर सेविंग डिवाइस है जो कि आपके बिजली के बिल को 30% 40% कम कर देता है। तो आज इसकी हकीकत हम जानेंगे बाय प्रैक्टिकल करके कि ये रियलिटी के अंदर हमारे बिल को कम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, हमने थंबनेल भी तैयार किया है इसके लिए, क्या ये पैसे बचाता है। तो हम इसको चेक करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे किस तरीके से इसको यहाँ पे सर्किट में लगाया जाता है, और हम सर्किट में लोड चला के देखेंगे, बिना लोड के इसको लगा के देखेंगे क्या ये रियल के अंदर जो हमारा पावर सेव कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये डिवाइस है, ये मार्केट के अंदर 600-700 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसको बहुत ही अच्छे दाम पर बेच रही है, जैसे कि 2000-3000 तक की बेच रही है, बड़ी बड़ी जैसी कंपनियां हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे कुछ, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे फ़ोटोज़ के अंदर, कुछ मैंने और फ़ोटोज़ निकाली है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाली है। इसी तरीके के पावर सेवर है जो मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के यहाँ पे ये पावर सेवर बिक रहे हैं, कुछ इस तरीके के वाइट कलर के हैं। ये जो महंगे ब्रांड के हैं जो हमारे 1000-2000 रुपए के आ रहे हैं, ये जो पावर सेवर यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से ये आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्या ये चीज़ हम जैसे अगर यहाँ पर 2000 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, वो चेक करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। इस चीज़ को हम खोल के भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से यह हमारी बिजली के बिल को कम कर रहा है, क्या ये चीज़ हम घर पे भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड तक मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा, हर एक सेकंड में इसकी कोई ना कोई चीज़ मैं आपको बताता रहूंगा जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर सेवर मार्केट के अंदर बिक रहा है, इतने महंगे महंगे पावर सेवर यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लोग खरीद भी रहे हैं बहुत यहाँ पे ज़्यादा मात्रा के अंदर, इसको खरीद भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं। तो एक्चुअली के अंदर ये ऐसा काम कर रहा है जिस नाम से ये बना है पावर सेविंग, तो ये पावर सेविंग कर भी रहा है कि नहीं, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस चीज़ का पूरा पर्दाफाश कर देंगे, हर एक चीज़ देखेंगे इसकी कि रियल है या फेक, ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर ये खरीदना चाहिए तो आपके पैसे बचाएगा, और अगर यहाँ पर ये पैसे बचा रहा है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, अगर नहीं बचा रहा तो इसको खरीदना वेस्ट है, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं इसको खरीद के अपने घर के अंदर या किसी भी छोटे उद्योग के अंदर लगाने के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरीके से इसको सर्किट में लगाते हैं। लोड चेक करेंगे लगाकर, उसके बाद यहाँ पे धारा चेक करेंगे इसकी, अगर धारा कम ज़्यादा हो रही है नहीं हो रही वो हम आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताएंगे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार कर लिया है जिसकी सहायता से हम इस पावर सेवर को लगा के चेक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये मॉडल तैयार किया है इसके अंदर मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप इस मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर से कर ही देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, ताकि हम जो ये पावर सेवर जिसकी आज सच्चाई यहाँ पे पर्दाफाश करने वाले हैं, सच्चाई है जो जानने वाले हैं, तो वो लोगों तक पहुँच जाए, तो ये पता चल जाए कि इसको ख़रीदना हमारे लिए यूज़फुल है या पैसा वेस्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस मॉडल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये मेन सप्लाई के वायर आ गए हैं जो कि एक एनर्जी मीटर के अंदर जा रहे हैं। ये एनर्जी मीटर यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी मेन सप्लाई का मान लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से ये मेन सप्लाई बाहर निकल गई और यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा दिया, जो कि आपके नीचे मेन बॉक्स होता है वहाँ पर आपके आइसोलेटर देखने को मिल जाएगा, वो आइसोलेटर मैंने यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो लोड लगा रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे जो सप्लाई की वोल्टेज आ रही है, एक्यूरेट जो वोल्टेज है उसको मापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, 500 वोल्टेज तक ये माप सकता है। यहाँ एक एम्पियर मीटर लगा दिया है जो कि हमारी लोड की धारा मापेगा, और वहाँ पर हो गया हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड जहाँ से कि हमारा लोड कनेक्ट है, जो लोड है वो कितनी धारा ले रहा है
वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि धारा पे ही डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा धारा लगेगी उतना ही ज़्यादा हमारा कंजप्शन होगा, उतना ही हमारा बिल आएगा। हम बिना इस पावर सेवर को लगाए चेक करेंगे कि धारा कितनी आ रही है, और इसको लगाकर फिर चेक करेंगे कि धारा कितनी आ रही है। अगर हमारी धारा के अंदर गिरावट होती है तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है, अदरवाइज फ्रेंड्स कोई डिफ्लेक्शन अगर हमारी धारा के अंदर देखने को नहीं मिल रहा तो इसको खरीदना ना खरीदने के बराबर है फ्रेंड्स, ये पैसा वेस्ट है बिल्कुल ही। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास ये है एनालॉग मीटर, अगर यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर से समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर मैंने दो डिजिटल मीटर भी यहाँ पे ले लिए, एक क्लैंप ऑन मीटर है और एक मेरे पास यहाँ पे मल्टी मीटर है। एक के अंदर हम यहाँ पे लोड के पैरेलल में लगाकर वोल्टेज चेक कराएंगे आपको डिजिटल के अंदर, और एक जो आप क्लैंप ऑन मीटर देख रहे हो उसकी हम लोड की धारा चेक कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सप्लाई चालू करते हैं, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर है वो लो यहाँ पे सप्लाई के पैरेलल में लगा दिया है, यहाँ पर एनालॉग के अंदर आप देख लेंगे और यहाँ पर डिजिटल के अंदर। एनालॉग में फ्रेंड्स क्या होगा कि कुछ वोल्टेज थोड़ी वेरी करती है तो हम एनालॉग में पता नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर है वो लगा दिया है, और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एनालॉग एम्पियर मीटर हो गया। इसी के अंदर भी फ्रेंड्स अगर थोड़ी बहुत पॉइंटों के अंदर धारा वेरी करेगी तो वो हम पता नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लैंप ऑन मीटर लगा दिया, जिसके अंदर आपको अगर पॉइंट में भी धारा वेरी करती है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ से सप्लाई ऑन करता हूँ, उसके बाद वोल्टेज और यहाँ पे हम धारा चेक कर लेंगे। जैसा कि हमारा लोड है वो स्टार्ट हो गया है, 237-38 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे सप्लाई के अक्रॉस हमारी वोल्टेज आ रही है, यहाँ आप ऊपर एनालॉग में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एनालॉग एम्पियर मीटर के अंदर देख लेंगे आप, एक एम्पियर से थोड़ी सी कम, यानी कि हमारी पॉइंटों के अंदर यहाँ पे एम्पियर है वो हमारा लोड अभी ले रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे डिजिटल में भी देख सकते हो 0.89 एम्पियर के आसपास यहाँ पे हमारा लोड धारा ले रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस लोड के साथ में जैसे कि आप वहाँ सर्किट बोर्ड में इसको हम पावर सेवर को लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे धारा चेक करेंगे। अगर हमारी धारा कम हो रही है तो हम यहाँ पर इसको जो ये प्रोडक्ट है इसको यूज़फुल मान लेंगे, और अगर नहीं हो रही तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो हम सबसे पहले एक बार सप्लाई ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद में इसको वहाँ पर सर्किट में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको सप्लाई के अक्रॉस लगा दिया है जो हमारा पावर सेवर है उसको, अब यहाँ से हम सप्लाई ऑन करते हैं, उसके बाद में आपको दोनों डिजिटल मीटर के अंदर देख लेना है वोल्टेज और आपकी धारा, अगर कम हो रही है तो हमारे पास वो प्रोडक्ट यूज़फुल हो जाएगा। मैंने यहाँ सप्लाई ऑन कर दी है, यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो 238, 39 के आसपास जो कि हमारी पहले आ रही थी उतनी ही वोल्टेज अभी हमारे पास प्रेजेंट में भी आ रही है। धारा आप यहाँ पे देख सकते हो 9 एम्पियर 1 एम्पियर तक जा रही है, उल्टी हमारी धारा बढ़ ही रही है घट नहीं रही है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट हमने लगाया है वो भी हमारा कुछ पॉइंटों के अंदर धारा ले रहा है, उसकी भी धारा हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गई है। मतलब उस प्रोडक्ट को लगाने के बाद हमारा यहाँ पे धारा बढ़ी, मतलब हमारा बिजली का बिल भी कुछ परसेंट यहाँ पे बढ़ेगा, उल्टा घटेगा नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास यूज़फुल नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। आपको ये चीज़ एक अफवाह बना के बेची जा रही है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है, आपके एनर्जी को कम कर देगा, यहाँ पे आपके बिजली का बिल कम आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज भी आपकी है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे धारा भी इंक्रीज हो रही है, मतलब इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद हमारा उल्टा नुकसान है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मनी है वो प्रोडक्ट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरीके के प्रोडक्ट आप मार्केट में कोई अफवाह बना के बेचे जा रहे हैं तो आप उनको इस अफवाह को सुनकर इस प्रोडक्ट को ना खरीदें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देख लिया है ये जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ऑफ मनी है, कोई भी मतलब नहीं है इसको हमारे सर्किट में लगाने से, क्योंकि किसी भी तरीके से ना तो ये धारा को कम कर रहा है ना हमारी वोल्टेज को कम कर रहा है। ये जितनी लोड जो हमारा अभी आपने प्रैक्टिकल के थ्रू देखा, जितना लोड हमारा चल रहा था बिना इसके लगाए, जितनी धारा और वोल्टेज ले रहा था इसको लगाने के बाद भी उतनी ही वोल्टेज धारा, जबकि इसको लगाने के बाद कुछ धारा यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हुई थी, घटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 एलईडी आपको लगी हुई दिख रही होगी, तो ये जो एलईडी है ये तीनों एलईडी है वो भी इसी सर्किट के अंदर इन्वॉल्व होकर चल रही है, तो ये भी कुछ ना कुछ धारा यहाँ पे कंजप्शन करेगी, तो ये भी हमारी उस जो क्लैंप मीटर के अंदर दिखा रही थी एम्पियर उसके अंदर ऐड होगी, उल्टी ज़्यादा यहाँ पर धारा हमारी बढ़ी है घटी नहीं है, तो वहाँ पर हमारा बिजली का बिल है वो कम नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ परसेंट यहाँ पर हमारा जो बिजली का बिल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ पे खरीदे ना, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। कोई यहाँ पर अगर आपको ये बोल के बेच रहे हैं कि ये आपकी जो बिजली का बिल है उसको 10% कम कर देगा, 20% कम कर देगा, तो फ्रेंड्स वो आपको ये बस गुमराह कर रहा है ओनली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको अपने पैसों से मतलब है, आपके यहाँ पे पैसे ज़्यादा है कम आए उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। मैं इसका पर्दाफाश खोल के भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा अभी किस तरीके के अंदर इसको बनाया जाता है किस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या मैंने भी आज तक नहीं देखा है, तो मैं आपको अभी इस चीज़ को खोल के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर इस तरीके की मार्केट में जैसे एग्जांपल के थ्रू ही आप समझ लो, अगर कोई आपको
आपके पास एक बाल्टी के अंदर दो जग पानी आते हैं और वहाँ पर अगर उस बाल्टी में से आप एक जग पानी निकाल लो तो उस बाल्टी के अंदर एक जग पानी ही रह जाएगा। पर अगर वहाँ पर आपको कोई ये बोल दे कि ये जो एक प्रोडक्ट है ऐसा, इसको आप अपनी बाल्टी में डालोगे तो वहाँ पर आप एक जग पानी निकालोगे, तो एक जग पानी निकालोगे तो आपकी बाल्टी में एक जग नहीं, वहाँ पर डेढ़ जग पानी रह जाएगा। एक जग निकालने के बाद भी डेढ़ जग पानी रह जाएगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आप खुद ही सोचो और कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर ऐसी चीज़ पॉसिबल होती तो फ्रेंड्स, अगर ये जैसा ये डिवाइस, अगर ये कुछ इस तरीके का बिजली का बिल बचाने का काम करता तो पूरे मकान में, उद्योगों के अंदर इसको लगा लेते और फिर वहाँ पे तो बिजली का बिल जीरो कर लेते। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितनी आपका लोड, बिजली का बिल आपका जो लोड है वो जितना खपत करेगा, अपनी एनर्जी जितनी लेगा वो उतनी ही लेगा। किसी ऐसे प्रोडक्ट को लगाने से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो इस चीज़ से फ्रेंड्स आप बचिए। और मैं अभी आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ रियलिटी के अंदर इसके अंदर क्या है, भी नहीं जानता। तो हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने इसको यहां पे है ओपन कर लिया है। तो मैं भी नहीं देखा, आपको ही दिखा रहा हूं सबसे पहले। ओहो, तो फ्रेंड्स इसके अंदर ओनली सिर्फ एक कैपेसिटर है, मात्र एक यहां पे कैपेसिटर है। 2.5 माइक्रोफेरेड का ये जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि हम हमारे पंखे के अंदर, कूलर की मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, उनके अंदर एक कैपेसिटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये जो हमारा कैपेसिटर है दो काम यहां पे करता है। एक हमारा फेज स्प्लिट का काम करता है और दूसरा हमारे पावर फैक्टर को सुधारता है, जिसकी हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कोई ऐसा चीज़, ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि आपकी पावर को कम कर दे, ये ओनली पावर फैक्टर सुधारता ही है। और इसके पीछे आप देख रहे होंगे एक ग्रीन कलर की यहाँ पे चिप लगी हुई है। तो वो जो चिप है वो डीसी ऑपरेटेड चिप है, जो कि हमारी इन एलईडीओ को ग्लो करने के, एलईडी जो लगी हुई है इनको जलाने के लिए वो जो चिप है वो काम करती है। उनकी वजह से हमारा जो धारा है वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई, बढ़ी है उल्टी घटी नहीं है, मतलब हमारा पैसा बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी इस प्रोडक्ट की सच्चाई। इस तरीके के प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में यही बोल के बेचे जा रहे हैं कि आपके बिजली को बिल के है वो कम कर देंगे, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरीके के प्रोडक्ट ना खरीदे, ये कोई आपका बिजली का बिल कम नहीं करेगा। मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।